हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वायरल फीवर या फ्लू को ठीक करने के लिए बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो रहा है, जैसे अभी गर्मी से बारिश का वेदर आ गया, और जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही सबसे ज़्यादा वायरल फीवर कॉमन हो जाते हैं। वायरल फीवर सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी वायरल फीवर से इन्फेक्टेड रहते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे। तो आज के इस वीडियो में हम वायरल फीवर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि वायरल फीवर होता क्या है, कैसे हो जाता है हमें वायरल फीवर, क्या क्या लक्षण इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और होम्योपैथी में वायरल फीवर को ठीक करने के लिए बेस्ट एंड इफेक्टिव मेडिसिन कौन कौन सी है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये वीडियो, तो आप अंत तक ज़रूर देखें ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं आप मेरे चैनल में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब इस टेम्परेचर से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फीवर आना या बुखार आना, और जब यही फीवर किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है तो इसको हम बोलते हैं वायरल फीवर होना। वायरल फीवर में शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी इसमें हाई राइज टेम्परेचर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है वायरल फीवर में। जो आपका नॉर्मली फीवर रहता है उसमें आपका टेम्परेचर कभी भी 100, 101 उससे ज़्यादा नहीं जाता, बट आपके वायरल फीवर में टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे 102 हो सकता है इसमें टेम्परेचर आपका, 103 हो सकता है टेम्परेचर। तो आपका जो आपका कॉमन फीवर है उसमें टेम्परेचर कभी भी आपका 100, 101 से ऊपर नहीं जाएगा, और इसमें आपका टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा जा सकता है। जो वायरल फीवर होता है वो मौसम के चेंज होने की वजह से हमको होने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आपके शरीर का जो तापमान रहता है वो, और जो आपका एटमॉस्फेयर रहता है आपका, उसका जो तापमान रहता है वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो पाते, और तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी उतार चढ़ाव की वजह से जो शरीर की इम्यूनिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और वीक इम्यूनिटी में जब शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो कोई भी वायरस उसमें बहुत ही ईजिली अटैक कर पाएंगे, और इस कारण वायरल फीवर जो होता है वो मौसम चेंज होने के कारण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वायरल फीवर जब होता है तो शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इसमें वीक हो जाती है। वायरल फीवर जो होता है इसके सिम्टम्स, अगर वायरल फीवर हो गया है तो लगभग 3 से 4 दिनों तक रह सकते हैं, बट वायरल फीवर आपका ठीक होने के बाद भी शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है वायरल फीवर में। और वायरल फीवर जो रहता है वो संक्रामक रहता है, यानी वायरल फीवर एक संक्रामक बीमारी है, जैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने खांसा या छींका, या खांसने या छींकने के बाद उसने डायरेक्ट वो हैंड से किसी दूसरे को टच कर दिया, जैसे उसने खांसते समय अपना हैंड जो है अपने माउथ के पास ले गया और अपने हैंड को उसके बाद उसने किसी दूसरे व्यक्ति को टच कर दिया, या वो किसी से बात कर रहा है, तो ड्रॉपलेट के थ्रू वो इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। छोटे बच्चों में वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा खेलते हैं, एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो जिस वजह से क्या है वो खांसते समय या छींकते समय ड्रॉपलेट के थ्रू एक दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों में वायरल फीवर के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ड्रॉपलेट के थ्रू, जैसे किसी व्यक्ति को छूने से, खांसने से, छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है, संक्रामक होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है उनको वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही शरीर का तापमान और आपके एटमॉस्फेयर का तापमान दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर पाता, और इसी तापमान के उतार चढ़ाव के कारण मौसम के बदलने के साथ साथ आपको वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, कि वायरल फीवर में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है हाई ग्रेड फीवर, यानी इसमें शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया या 102 डिग्री हो गया, ऐसे आपका शरीर का टेम्परेचर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई ग्रेड इसमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के साथ साथ ही इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी और शिवरिंग होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा इसको
कप कपी इसको आएगी, साथ ही साथ इसको हेडेक रहेगा बहुत ज़्यादा, और आप इसकी आई को देखेंगे तो इसकी आई जो है वो पूरी रेड हो जाएगी, साथ ही साथ इसको बॉडी एक की प्रॉब्लम रहेगी, यानी पूरे शरीर में इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, खास करके हाथ पैरों के जो जोड़ होते हैं उसमें तो इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, एक जकड़न सी महसूस होगी इसके हाथ पैरों में। अगर हम इसके थ्रोट के सिम्टम्स देखें तो इसके जो थ्रोट रहेगा, इसके जो गले में बहुत ज़्यादा खराश रहेगी, गले में दर्द होगा, जिस वजह से इसको कोई भी चीज़ निगलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी, खांसी रह सकती है इसको, इसका नोज़ जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा इसका। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इसके पेट में भी दर्द इसको रह सकता है, और उल्टी हो सकती है इसको, दस्त की प्रॉब्लम रह सकती है, और पूरे शरीर में जो इसकी स्किन है वहाँ पे इसको रेड रेड कलर के रैसेस आ सकते हैं। जब भी वायरल फीवर आपको स्टार्ट होने वाला रहेगा तो सबसे स्टार्टिंग उसके सिम्टम्स ही आते हैं आपके थ्रोट से, थ्रोट इन्फेक्शन से, यानी गले में खराश होगा इसको बहुत ज़्यादा, गले में दर्द होगा, और कुछ भी चीज़ निगलने में इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, खांसी की प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको सिम्टम्स जो रहेंगे शुरुआत में देखने को मिलेंगे, और जब आपका वायरल फीवर ठीक भी हो जाएगा तो ठीक होने के बाद भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहेगी, बहुत ही ज़्यादा डलनेस रहेगी व्यक्ति में, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, महीने भर का टाइम भी लग सकता है। तो ये सारे ही लक्षण वायरल फीवर में हमें देखने को मिलेंगे। देन अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, कि होम्योपैथी में वायरल फीवर को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वायरल फीवर या किसी भी प्रकार का फीवर, चाहे वायरल फीवर बोले या फ्लू बोले या कोई भी प्रकार का जो फीवर रहता है, वो एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट होता है। तो मेरे ख्याल से, मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि कोई भी एक सिंगल मेडिसिन कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन को उतने जल्दी क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं फीवर में, बॉडी एक भी रहेगा इसके साथ में, थ्रोट इन्फेक्शन भी आपको रहेगा, फीवर भी रहेगा, तो मल्टीपल सिम्टम्स इसको रहेंगे। तो मल्टीपल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए मल्टीपल मेडिसिन या कॉम्बिनेशन में मेडिसिन पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो पेशेंट बहुत ही जल्दी उससे क्योर हो जाता है। तो फीवर के लिए मैं कॉम्बिनेशन में मेडिसिन यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कोई भी एक्यूट डिसीज के लिए एकोनाइट बेस्ट वर्क करती है, चाहे वो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फीवर की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एक्यूट स्टेज में है, यानी जैसे ही आप ठंडी हवा के कांटेक्ट में गए और आपको एकदम सडनली आपको फीवर आ गया, या आपको कफ कोल्ड हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया थ्रोट में, तो कोई भी एक्यूट फॉर्म में जब डिसीज आती है तो उस डिसीज में एकोनाइट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको एकोनाइट जो है वो 30 पोटेंसी में लेकर के आना है। उसके बाद आपको सेकंड मेडिसिन लेके आना है यूपिटोरियम। यूपिटोरियम मेडिसिन फीवर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, या आप ये बोल सकते हैं कि यूपिटोरियम फीवर की टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है, फीवर में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका, खास करके हाई ग्रेड फीवर में। तो आपको यूपिटोरियम 30 पोटेंसी में लेके आना है। उसके बाद आपको थर्ड में लेके आना है रशटॉक्स। रशटॉक्स आपका जो हाथ पैर में दर्द है, आपको बॉडी एक की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको जकड़न सी महसूस हो रही है, रेडनेस है आपकी आई में, हेडेक हो रहा है आपको, कफ कोल्ड हो रहा है, तो ये सारे में रशटॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। तो आपको रशटॉक्स मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में लेके आना है। देन उसके बाद आपको फोर्थ में लेके आना है जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में। जैल्सीमियम जो है वो फीवर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, साथ ही साथ जैल्सीमियम का मेन सिम्टम्स है डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें जो पेशेंट रहता है वो डल हो जाता है वायरल फीवर में, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, हाथ पैरों में उसकी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जैल्सीमियम उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो जैल्सीमियम को आपको 30 पोटेंसी में लेके आना है। इन चारों ही मेडिसिन को आपको 30-30 पोटेंसी में लेके आना है। जैसे आपको फर्स्ट में मेडिसिन लेके आना है एकोनाइट 30 पोटेंसी में, देन सेकंड में आपको मेडिसिन लेके आना है यूपिटोरियम 30 पोटेंसी में, देन थर्ड में आपको लेके आना है रशटॉक्स 30 पोटेंसी में, और फोर्थ में आपको लेके आना है जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में। इन चारों ही मेडिसिन को आपको 30-30 पोटेंसी में लेके आना है। उसके बाद आप एक 30 ml की खाली बॉटल ले लीजिए, या आप उससे बड़ी बॉटल भी ले सकते हैं, जैसे आपने 100 ml की बॉटल भी ले सकते हैं। जैसे आपने 100 ml की बॉटल लिया तो उसमें आपको एकोनाइट 25 ml लेना है, फिर उसके बाद 25 ml आपको यूपिटोरियम लेना है, फिर 25 ml रशटॉक्स लेना है, और 25 ml जैल्सीमियम लेना है। यानी इन चारों ही मेडिसिन को आपको इक्वल क्वांटिटी में उस बॉटल में ले लेना है, और लेने के बाद में बॉटल में उसको अच्छे तरीके से सेक कर लेना है, हिला लेना है उसको। उसके बाद इसकी 2-2 ड्रॉप आपको दिन में
हर एक एक घंटे के गैप में, जैसे आपने 7 बजे सुबह आपने आपने इन इस कॉम्बिनेशन का 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में लिया, उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद 8 बजे लेना है, फिर 9 बजे लेना है, ऐसे ही आपको एक एक घंटे में लेना है। दूसरे दिन जब आपका फीवर थोड़ा कम हो जाए तो आप इस 1 घंटे को 2-2 घंटे में कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कम से कम आपका 2 दिनों में ही फीवर जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, 2 से 3 दिनों में ही। तो ऐसे ही इन चारों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको दिन में हर एक एक घंटे के गैप में आपको लेना है, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन हर 2-2 घंटे के गैप में लेना है, उसके बाद तीसरे दिन आप इसको दिन में 4 बार कर दीजिए, आप ये 2 से 3 दिनों में ही बहुत ही अच्छा आपको फीवर में इससे रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको एक मदर टिंचर यूज़ करना है, उस मदर टिंचर का नाम है चाइना का मदर टिंचर, बस एक सिंगल मदर टिंचर आपको यूज़ करना है। आपको इस मदर टिंचर को दिन में 4 बार यूज़ करना है, 1/4 कप गुनगुने पानी में इसकी 15 से 20 बूंद आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको इसको दिन में 4 बार लेना है। जैसे आपने ये मेडिसिन जब ली, कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन जब आपने ली, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में इसको ले ली, उस मेडिसिन को लेने के आधे घंटे बाद आप इसको या 20 मिनट के गैप के बाद इसको आप मदर टिंचर को ले लें तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारे ये कॉम्बिनेशन को, मदर टिंचर को आपको यूज़ करना है, तो इसके आपको फीवर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस के समय ये मेडिसिन यूज़ करती हूँ तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं और आपको भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।